जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ इन दो एग्जांपल से भाग करने का कंसेप्ट समझाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, यदि आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लिया तो मैं आप लोगों को निश्चित ही कह सकता हूं कि आप इस तरीके के सवालों में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, चलो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। सबसे पहले हम लोग ये वाला सवाल समझेंगे, फिर हम लोग ये वाला सवाल समझेंगे। दोस्तों ये वाला सवाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। दोस्तों इसको तो आप कभी भी मिस नहीं करना, अगर इसको आपने मिस कर दिया तो आप इस तरीके के सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसको सीखने के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला सवाल समझते हैं। तो हमारे पास सवाल क्या है, हमें 2 से भाग देना है 684 को, मतलब कि 684 को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हम लोग भाग करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले इधर की हम लोग पहली संख्या को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहली संख्या कौन सी है, 6 है, और यहाँ पर कौन सी है, संख्या 2 है। दोस्तों अब इन दो संख्याओं में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी संख्या इसमें से बड़ी है और कौन सी संख्या इसमें से छोटी है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि दोस्तों आप लोग कहोगे 6 जो है वो बड़ी संख्या है और 2 जो है वो छोटी संख्या है। अब दोस्तों ये वाली संख्या इस संख्या से यदि बड़ी है तो इसका भाग इसमें चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 का बाढ़ इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 त्याय 6 आ गया। 6 दोस्तों कितनी बार में आया, 6, तो 2 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा और 6 हमारे पास आ गया। अब दोस्तों हम जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं ना उतना हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा। दोस्तों 3 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो 3 को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों कितना आया है पहाड़ा पढ़ने के बाद, कितना है, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब पहाड़ा पढ़ने के बाद जितना भी आता है उतना हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया यहाँ पर। अब दोस्तों पहाड़ा पढ़ने के बाद जितना है उतना हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे। चलो कर लेते हैं, 6 में से 6 को घटाएंगे तो कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 में से 6 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब कुछ नहीं बचता है तो हम लोग इस तरीके का चिन्ह यहाँ पर लगा देते हैं। तो दोस्तों क्रॉस का चिन्ह हमने यहाँ पर लगा दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम लोग उतारेंगे अगली संख्या, क्योंकि यहाँ पर तो कोई संख्या है ही नहीं। तो हम अगली संख्या कौन सी, हमारे पास 8 है, तो हम 8 को यहाँ पर उतार लेते हैं। दोस्तों 8 को हमने जैसे ही यहाँ पर उतारा, अब दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि इसमें और इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। दोस्तों 2 और 8 में कौन सी संख्या बड़ी है, 8 बड़ी संख्या है, 2 छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए या 8 से कम आ जाए, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 चक्कू 8। अब दोस्तों कितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा, 2 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा और हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। अब 4 बार पहाड़ा पढ़ा तो हम क्या करेंगे, 4 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे और 8 दोस्तों आया है तो 8 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो कर लेते हैं दोस्तों, 8 में से 8 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब कुछ भी नहीं बचा तो फिर से हमने क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया है। दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर अगली संख्या को उतारना है, तो अगली संख्या हमारे पास कौन सी है, 4, तो 4 हम यहाँ पर उतार लेते हैं। अब 2 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे कि 4 आ जाए या 4 से कम आ जाए, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आ गया ना 4, कितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा, तो 2 का पहाड़ा सिर्फ और सिर्फ हमने 2 बार पढ़ा। अब 2 बार पहाड़ा पढ़ा तो 2 हमने यहाँ पर लिख लिया, अब कितना आ गया, 4, 4 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 4 में से 4 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये कुछ भी नहीं बचा ना, तो यही हमारा राइट आंसर आ चुका है। और इस तरीके से हमने ये भाग पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से भाग के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों एक सवाल को तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। और दोस्तों ये वाला सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलो मैं आपका
आगे वीडियो शुरू करता हूँ। तो देखिएगा हमारा सवाल क्या है, आगे का सवाल तो हमें 3 से भाग देना है 12 98 को। मतलब क्या है क्या है, सबसे पहले हम लोग पहली संख्या को देखेंगे। तो पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 1 है, और यहाँ पर कौन सी है, 3 है। अब दोस्तों इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप सभी लोग कहोगे इसमें से जो 3 है ये बड़ी संख्या है और जो 1 है ये छोटी संख्या है। अब दोस्तों ये वाली संख्या अगर छोटी रह जाती है तो इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। अब दोस्तों इसका भाग नहीं जाएगा तो हमें भाग करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, तो दोस्तों हमें यहाँ पर बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी। तो बड़ी संख्या हम लोग बनाएंगे कैसे, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए दोस्तों जब एक संख्या छोटी रह जाती है तो फिर हम लेते हैं दो संख्याओं को। एक छोटी रह गई थी तो हम एक और दो, दो संख्याओं को जब हम लोग लेंगे तो संख्या यहाँ पर बन जाएगी 12। अब दोस्तों जो 12 है ना, 12 3 से बड़ी संख्या है। अब इसका भाग इसमें चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए या 12 से कम आ जाए, लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और 3 चक्कू 12। अब दोस्तों कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। कितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा, तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा और हमारे पास 12 आ गया है। अब दोस्तों 4 बार हमने पहाड़ा पढ़ा तो 4 तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब कितना है, 12 आ गया, तो 12 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको करेंगे दोस्तों माइनस, तो कर लेते हैं। तो 12 में से 12 को घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो कुछ भी नहीं बचा तो हमने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उतारेंगे अगली संख्या, क्योंकि हमें हमारे पास दो संख्याएँ अभी उपलब्ध हैं और हमें भाग को कम्प्लीट करना है। तो अगली संख्या कौन सी है, 9। तो दोस्तों 9 को हमने यहाँ पर उतार लिया। अब क्या करेंगे, अब 3 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया। कितनी बार पहाड़ा पढ़ा हमने, 3 बार पढ़ा। तो 3 दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 3 हमने यहाँ पर लिख लिया और कितना आ गया, 9। तो 9 को दोस्तों हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, चलो कर लेते हैं। 9 में से 9 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों कुछ भी नहीं बचा तो हमने यहाँ पर फिर से क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम लोग उतारेंगे अगली संख्या, और अगली संख्या हमारे पास कौन सी है, 8 है। तो 8 को हमने यहाँ पर उतार लिया। अब जैसे ही 8 को उतारा हम फिर से अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो दोस्तों ये वाली संख्या जो 8 है वो बड़ी संख्या है और 3 जो है वो छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा अब इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए या 8 से कम आ जाए, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। अब दोस्तों ये 9 है ना वो 8 से ज़्यादा हो गया, तो हम 9 को तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि 9 8 में से फिर घटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, वो 3 के पहाड़े में 8 आया नहीं है तो 8 को भी नहीं लिख सकते क्योंकि 3 के पहाड़े में नहीं आया है, और 9 को हम लोग इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 8 में से फिर 9 घटेगा नहीं। तो दोस्तों हम इस कंडीशन में ये करते हैं कि 8 से कम वाली संख्या को लिखते हैं जो 8 के पास में हो। वैसे तो 8 से कम 6 है, 3 दोनों की दोनों संख्याएँ हैं, लेकिन हम दोनों संख्याओं को नहीं लिख सकते, तो हम किसको लिखेंगे, जो 8 से कम हो और 8 के पास में हो, तो उस संख्या को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो दोस्तों वो कौन सी संख्या है, 6 है। तो 6 8 से कम है और 8 के पास में है, तो क्या करेंगे, 6 कितनी बार में आएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में दोस्तों आएगा। तो 2 हमने यहाँ पर लिख लिया, और दोस्तों 6 आएगा तो 6 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब दोस्तों ये 2 जो बचा है ना, यही हमारा बचा है शेषफल। क्या बचा है दोस्तों, यही हमारा शेषफल बचा हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये 2 की 2 भागें कंप्लीट कर ली हैं। दोस्तों ये दोनों भागें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली थी। दोस्तों मैंने आप लोगों को ये दोनों की दोनों भागें कंप्लीट करवा दी हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।